आप सोच रहे होंगे आचार्य जी एकटक इस पेड़ को क्यों देख रही हैं? सिर्फ इसको ही नहीं देख रहे, हम बहुत देर से इधर भी देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ खड़े होकर के हम इस पूरे ग्रीनरी को, प्रकृति को देख रहे हैं, और यही काम आपको भी करना है। ये जो हम पूरा दिन मोबाइल का स्क्रीन लेकर के उस स्क्रीन पर देखते रहते हैं ना, बच्चे, बड़े, बूढ़े, एवरीबडी, मतलब इतना स्क्रीन टाइम हो गया है कि अभी तो दुविधा होने लगी है कि हमारी आंखें सिर्फ स्क्रीन को देखने के लिए बनी है या इसका कोई और यूज भी है। तो अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और जब हम आंखों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, सिर्फ नंबर बढ़ जाना या चश्मा लग जाना ही आंखों का अस्वस्थ हो जाना नहीं होता है, वो तो जेनेटिक भी होता है, वो आंखों की आकृति के कारण भी होता है, मायोपिया के कारण भी होता है। तो चश्मा लग जाना ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट हाँ, आंखों से जुड़ी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्राइनेस होना, ड्राउजीनेस होना, थकान होना, उसकी वजह से सर में दर्द रहना। आपको ये सरल सा काम करना है, जैसे हम इस वृक्ष को देख रहे थे, हमें दिन में 5-6 बार प्रकृति को, स्पेशली ग्रीनरी को देखना चाहिए। और ये इस पर कई शोध हुए हैं, अब तो डॉक्टर्स भी हमारे जो है ये बात कहते हैं कि भाई जब जब समय मिले खिड़की से बाहर जितना दूर हो सकता है देखिए। हमारी आंखें इतना नजदीक देखने के लिए नहीं बनी है, हमारी आंखें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर देखने के लिए बनी है। हमारी आंखें बहुत कोमल हैं, हमारी आंखें बहुत सुंदर हैं, और हमारी आंखें परमात्मा का वरदान है। अपनी आंखों को हर वक्त स्क्रीन में लगा करके उसका दुरुपयोग मत कीजिए। ये आपकी आंखों की भी इंसल्ट है और परमात्मा की भी इंसल्ट है जिसने आपको ये आंखें दी। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक तो हर 20 मिनट के बाद, अगर आप स्क्रीन देख भी रहे हैं 20 मिनट के बाद, स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाइए। अगर आपके आसपास जो भी ग्रीन एरिया है, कम से कम दिन में 3 बार ग्रीनरी को देखिए। थोड़ी देर सिर्फ ग्रीनरी को देखना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको ग्रीनरी दिख रही है, इधर देखना चाहते हैं इधर देखिए, इधर देखना चाहते हैं इधर देखिए, बट ग्रीनरी को देखिए। और अगर आप कहीं स्पेसिफिक जगह जा नहीं सकते तो अपनी खिड़की को खोलिए, आसपास जो भी पेड़ लगे हुए हैं, कम से कम 20 मिनट के बाद गैप लेकर के स्क्रीन टाइम से खिड़की के बाहर देखना है, ग्रीनरी को देखना है। ये काम आप प्रतिदिन कीजिए। आंखों में अपने मुंह में इस तरह से पानी भर के और हल्के हाथ से आंखों पर छपके मारिए। आप देखेंगे ये दो काम भी अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपकी आंखें स्वस्थ होने लगेंगी। कल से ही सुबह उठ करके ग्रीनरी को देखिए, और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी चाहे आप मुक्तेश्वर आना चाहते हैं, सहारनपुर संस्थान में आना चाहते हैं, या फिर आप घर के कंफर्ट जोन से ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज डिजाइन हुए हुए हैं, रेगुलर थेरेपी क्लासेस होती है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, आप उनको ज्वाइन कीजिए। हमारा मार्गदर्शन और सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। नीचे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर इसकी डिटेल्स हैं, आप उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसकी डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। सब मिलकर के एक स्वस्थ समाज बनाते हैं। इन वीडियोस को, इन लिंक्स को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। जिस तरह से किसी के अंदर कोई भी व्यसन होता है तो वो उसे शेयर करने में चूकता नहीं, तो आप भी अच्छे काम को शेयर करने में बिल्कुल मत चूकिए। आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। हरिओम।